बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब व्यूअर्स। तो मैं जैसे कि सुहेल और आप देख रहे हैं सुहेल व्लॉग्स। तो करते हैं आज का व्लॉग स्टार्ट। आज आपको मैं दिखाऊंगा घर में जो हमने सोलर सिस्टम लगाया है वो सारा आपको बताऊंगा और दिखाऊंगा कैसे लगाया है। तो आज आपको दिखाया सोलर सिस्टम। तो ये लगाया हुआ है सोलर सिस्टम, चार बैटरी हैं, टाल ट्यूबल वाली और एक UPS है। और ये चार बैटरियाँ ऊपर से चार्जिंग लेती हैं, चार है। और ये UPS का इधर डिस्प्ले है, ये देखें अभी फ़िलहाल, ये देखें ये जो है ना, इसका मतलब है चार्जिंग ना फुल है अब। और ये ऊपर से पहले, तो ये जो डिस्प्ले है ये बता रहे हैं कि सोलर दे रहे हैं चार्जिंग, पहले डायरेक्ट घर को देते हैं, घर को देते हैं, फिर ये ऐसे, यार मुझे इतना पता नहीं है, तो डायरेक्ट घर को भी देते हैं सोलर, ऊपर से बैटरियों को भी देते हैं, फिर बैटरी अपनी चार्जिंग घर को भी देती है, सेव भी करती है रात के लिए। तो ये देखें ये बना हुआ है डिस्प्ले, ये इनवरेक्स का है, ये है 5.2 किलोवाट का। और ये देखें ये जो है ये हम पेयर बताते हैं कितने हैं। अगर हम AC चलाएं ना 25 पे करके तो ये होता है 7.2 होता है। तो ये डिस्प्ले ये इधर से खुलता है ऐसे, ये देखें, फिर यहाँ से ये बंद करते हैं बटन वगैरह ऑन बंद। तो ये बिजली का 2 मीटर लगवाए हुए हैं हमने, तो ये बिजली चला लेते हैं जब इसकी बैटरी ख़त्म हो जाएगी। वैसे ख़त्म तो नहीं होती, पर हम जब रात को अभी ऐसी चलाया करेंगे फिर हमें रात को बिजली चलानी पड़ेगा करेगी, तो अभी फ़िलहाल हमें बिजली नहीं चलानी पड़ती, ज़्यादा नहीं चलाते। जब AC रात को चलाया करेंगे तब चलाया करेंगे। पहले हमारा 20,000-15,000 इधर तक बिल आता होता था, अब हमारा 1500 तक ही आता है बस दोनों मीटरों का मिला के। तो आपने नीचे वो बैटरी वाला देख लिया, अब आपको दिखाता हूँ सोलर। तो ये ऐसे लगाया हुआ है हमने सोलर, ये है तकरीबन 8 प्लेटें हैं, हाँ 8 ही हैं। ये एक तो छोटी होती हैं, तकरीबन इतनी होती हैं, ये हैं शायद पता नहीं 500 कितने वाट की है, इतने की है। हर स्टैंड पे 2-2 लगी हुई हैं, टोटल 8 हैं। इनके लिए तो 2 बैटरियां भी काफ़ी थी, पर हमने 4 लगवा ली हैं, तो अब हम सोच रहे हैं शायद हम 4 और लगवा लें, पर वो जब पापा आएंगे ना कुवैत से फिर लगवाएंगे। तो ये ऐसे ऊपर लगाए, इन्हें हफ्ते में एक बार ज़रूर धोना चाहिए, अब हम यानी इनके ऊपर पानी मारना चाहिए। ये ऐसे लगाया हुआ हमने। तो ये जो UPS है ना, ये वो जो हवा मारने वाला होता है, वो पता नहीं वो जो जालियाँ बनी हैं जाली उधर मारना होता है पता नहीं महीने में, तो उधर मिट्टी होती है, नहीं तो ये UPS ख़राब हो जाता है, तो वो भी हमने लिया हुआ है। तो ये सारा सिस्टम है आपने देख लिया। तो अल्लाह हाफिज़, मेरा भी लोग इतना ही था, करते हैं लोग इधर ही हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़, हैव अ नाइस डे, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा।